नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त नीतीश हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक बार फिर से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के गांव तया से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों वैसे तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी तया गांव के बारे में आप लोगों को एक बात बताई है कि तया गांव वो गांव है जिस गांव में रुक के अभी हम सीरीज़ बना रहे हैं, और ये वो गाँव है जो गाँव कभी पहले, अब से एक साल पहले तक पूरी तरह आबाद था, परिवार यहाँ रहते थे, लेकिन जब से यहाँ टाइगर अटैक हुआ और एक महिला की जान यशवंत सिंह जी की, जिनके घर में मैं रुक के वीडियो बना रहा हूँ, सीरीज़ बना रहा हूँ, इनकी वाइफ की जान इस टाइगर अटैक में गई, उसके बाद से ये गांव टाइगर के डर की वजह से कह लें या टाइगर अटैक की दहशत कह लें, खाली हो गया। दोस्तों मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को टाइगर की एक हल्की सी रोर सुनाई थी और साथ में बताया भी था कि टाइगर नाखून खुरचने की आवाज़ आ रही थी, कि नाखून खुरच रहे हो जैसे आवाज़ें। तो दोस्तों यहाँ इतनी आती हैं कि देखो आप दो मिनट सुनो, मतलब कुछ सेकंड सुनो आप, देखो जंगल की आवाज़ें तो बोलना बंद कर देना तो पूरी तरह से आ जाती हैं, हावी हो जाती हैं। दोस्तों ये जो इंसिडेंस हुआ था ना नाखून खुरचने वाला, ये तो आवाज़ तो पता नहीं चलती कि किधर से आ रही है, क्योंकि पूरी गूंजती है ना आवाज़। लेकिन आज शाम को भी एक इंसिडेंस हुआ, मैं यहाँ ऊपर की तरफ खड़ा हुआ था, आवाज़ मुझे इधर से भी आ रही थी शाम को, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे यहाँ पर कोई नाखून खुरच रहा है अपने इधर वाले एरिया में। बहुत ही ख़तरनाक सा माहौल हो गया था थोड़ी देर के लिए, एकदम इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि यहाँ से मैं यहाँ था, क्योंकि अकेला था मैं घर पे, मैं यहाँ खड़ा हुआ था तो इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं यहाँ पे खड़ा होके नीचे झांकूं, क्योंकि आवाज़ इतनी क्लोज से आ रही थी जिसे घूं ऐसा होता ना हूँ ऐसे ऐसे करके नाखून खुरचने की आवाज़। अब वो यहाँ खुरच रहा था, आगे खुरच रहा था, आगे भी एक बना हुआ है टॉयलेट बाथरूम ना, वॉशरूम बना हुआ है, तो शायद वहाँ खुरच रहा था। बाघ तो दोस्तों यहाँ है ही है, इतनी अलार्म कॉल होती है यहाँ, अभी देखिएगा पूरी रात मैं आप लोगों को आवाज़ सुनाऊँगा जंगल की, किस किस तरह की यहाँ आवाज़ें आती हैं। अब बस टाइम हो चला है, 8:15 का टाइम हो गया है, तो अब बस आवाज़ें शुरू हो जाएंगी। ये पेड़ों पर भी मैं इसलिए मार रहा हूँ कि लेपर्ड का भी है इधर, टाइगर तो है ही है, लेपर्ड का भी पूरा बोलबाला है, तो लेपर्ड तो पेड़ पर भी बैठ जाता है। बाकी ये सामने की तरफ छोटा गोपी गांव है, काफ़ी दूर है, दूरी है उसकी यहाँ से, इतना पास भी नहीं है। नीचे की तरफ रिवर है, वो रिवर भी मैं आप लोगों आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगा, जिसका इस रिवर का ना टाइगर की मूवमेंट से भी एक है रिलेशन, कि जैसे वो तया गांव के पास रहता है लेकिन रिवर पर जाता है वो। अभी देखिए आवाज़ बदलेगी यहाँ, जब वो रिवर की तरफ बढ़ेगा ना तब आवाज़ बदलेगी, और रिवर की तरफ जो एनिमल आते हैं उन्हीं का ही शिकार करता है वो, और फिर सुबह के टाइम फिर वापस आता है वो इधर। जो प्रीवियस वीडियो थी ना जिसमें रोड सुनाई थी मैंने हल्की सी, वो सुबह के टाइम की थी, कि 3-4 बजे जब वो वापस आ रहा था। जंगली जानवरों का फुल दबदबा है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो एकदम सामने आ गया, ऐसा नहीं है, लेकिन जंगली जानवर तो यहाँ हर जगह हैं, हर जगह, और सिर्फ टाइगर लेपर्ड ही नहीं, जंगली सुअर, यहाँ तक कि भालू भी है, इस रेंज में भालू भी दिख जाते हैं, जो फ्रूट बेल्ट वाली रेंज है ना आगे जाके, जहाँ फ्रूट के हो रहते हैं, क्योंकि भालू फ्रूट वगैरह बहुत खाता है ना, तो उसके फ्रूट बेल्ट की तरफ भालू भी हैं, तो सारे जानवर मिलते हैं दोस्तों यहाँ, जो इस रेंज के सारे जानवर। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, बहुत ही थ्रिलिंग ये वीडियो होने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ऐसी जंगल से जुड़ी वीडियोज़, खतरनाक वीडियोज़ हमारे चैनल पर आती रहती हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक करते हैं तो चैनल की रीच बढ़ती है। वीडियो की शुरुआत करते हैं, कुछ दिख रहा है क्या? आज इन जो पेड़ हैं, इन पेड़ों के ऊपर लंगूर भी बैठे हुए हैं, शाम को काफ़ी ज़्यादा कर रहे थे वो यहाँ उछल कूद।
तो कॉलिंग का भी चांस है कि अगर कुछ चीज़ नीचे से गुजरेगी तो कॉलिंग भी होगी। जहाँ से भी टाइगर गुजरता है ना दोस्तों, आवाज़ होने लग जाती है। आप, मैं बिल्कुल नेचुरल बात बता रहा हूँ, बिल्कुल नेचुरल, जो मेरी बिल्कुल खुद की देखी हुई, कि आपको टाइगर की आवाज़ आए ना है जंगल में, लेकिन जहाँ से टाइगर गुजरेगा वहाँ से दूसरे जानवरों की आवाज़ ज़रूर आएगी आपको। बर्ड्स की चिरपिंग बढ़ जाएगी, मंकी की कॉलिंग होगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी, हिरनों की आवाज़ें, मतलब वो आवाज़ के साथ चलता है, मतलब जहाँ वो चलता है वो आवाज़ साथ चलती है। बहुत कुछ देखना बाकी है दोस्तों, बहुत कुछ देखना बाकी है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों अभी वो वाली जो मैं बात बोल रहा था ना, आवाज़ वाली, कि टाइगर की आवाज़ तो आती है कम, लेकिन आप इस बात को ना मेरी बिल्कुल भी प्रैक्टिकल करके देखना, कि जैसे आप कभी जंगल में रुकें, तो जंगल में एक आध दिन रुकोगे तो बात समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अगर आप कुछ ज़्यादा दिन रुकोगे ना, तो आप एक बात नोटिस करना, उस एरिया में टाइगर अगर होगा तो जैसे आप उसकी रात को पूरी रात जाग रहे हो और उसकी आवाज़ को ट्रैक कर रहे हो, तो फिर आपको ना एक चीज़ समझ के आएगी कि जैसे जैसे टाइगर रात को चलता है ना, तो ऐसा नहीं है कि बस टाइगर चले जा रहा है तो उसकी आवाज़ अगर आएगी तो तभी आप उसकी मौजूदगी का आप बारे में पता कर सकते हो कि उसकी मौजूदगी है या नहीं है वहाँ। जब टाइगर आएगा ना, तो टाइगर के साथ दूसरी आवाज़ें भी आएंगी, मतलब टाइगर चाहे चुप रहे, चाहे टाइगर कुछ ना बोले, मतलब चलता रहे, लेकिन उसके आसपास साउंड क्रिएशन होगा, उसके आसपास आवाज़ आएगी आपको। कई बार सियार की आवाज़ आएगी, सियारों की आवाज़ चलती है, उसके पीछे पीछे सियार चलते हैं, कि जहाँ तक, क्योंकि ये स्कैवेंजर्स होते हैं, जो शिकार टाइगर करता है इसको छोड़ता है, उसको खाते हैं ये, तो सियार हुए, लोमड़ी हुए, ये भी जंगल में टाइगर के पीछे चलते हैं। दूसरा, जिस पेड़ के नीचे वो रुकेगा, अगर मान लो उसके ऊपर बर्ड्स हैं, अब सारे बर्ड्स तो रात को सोते नहीं, तो कुछ बर्ड्स मूवमेंट करते हैं, तो जो बर्ड्स होते हैं तो वो बर्ड्स भी आवाज़ करते हैं। जिस पेड़ के ऊपर नीचे भी वो रुक जाएगा, उस पेड़ के ऊपर बर्ड्स होंगे, मंकी होंगे, ये बिल्कुल चहल पहल कर देंगे, आवाज़ कर देंगे। तो मतलब ऐसा होता है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जैसे जो टाइगर होता है ना, जब ये चलता है ना, मूव करता है, जैसे कहीं ऐसी जगह बैठ गया जहाँ कोई आसपास कुछ है नहीं, दूर दूर कोई कुछ है नहीं, सुनसान एरिया है, तो उसमें बैठ गया तो बात दूसरी है। लेकिन अगर जैसे टाइगर चलता है ना, जब मूवमेंट करता है, तो आवाज़ टाइगर ना भी करे ना, और वैसे वो एक बात और भी है, ये भी एक पॉइंट है दोस्तों, ये भी एक लर्निंग है, कि जब टाइगर जैसे किसी गाँव में, जब मैं तो किसी गाँव में रुकता हूँ, गाँवों में रुकते हैं हम, तो जंगलों में रुकते हैं, और जहाँ पे अभी आपको याद होगा, मैंने अभी आपको कुछ वीडियोस पहले अपनी लैंड दिखाई थी, तो वो लैंड भी बिल्कुल जंगल से बिल्कुल लगी हुई है, तो वहाँ पे भी टाइगर की मूवमेंट है। तो हर जगह मैंने एक बात नोटिस करी है कि जैसे टाइगर जैसे गाँव की तरफ आता है ना, गाँवों की तरफ, तो जैसा उत्तराखंड में पहाड़ पर ना एक कहावत है कि टाइगर के एरिया में एक कहावत है कि अगर टाइगर गाँवों की तरफ आता है ना, तो पहले आवाज़ करता है, एक मतलब देता है एक इंडिकेशन कि मैं आ रहा हूँ, ऐसा वाला, मतलब लोगों का कहना है यहाँ कि शेर आवाज़ करता है। तो वो बात मैंने भी नोटिस करी है कि जैसे वो गांव की तरफ चलना शुरू करता है ना, जिस टाइम पे गांव की तरफ आ रहा होता है, तो गांव के अंदर आके नहीं, गांव के बाहर से ही वो आवाज़ कर देता है, कि जैसे ना ऐसी आवाज़ हो जाती है, ऐसे कर देता है, वो दो चार सिग्नल ऐसे दे देता है कि वो गांव की तरफ आ रहा है, गांव वाले अलर्ट हो जाएं, कोई बाहर हो तो अंदर चले जाएं, ऐसा। क्योंकि वो भी इंसानों से बिल्कुल मुँह नहीं लगना चाहता, बिल्कुल इंसानों से सामना नहीं करना चाहता, अगर वो मैनेटर नहीं है तो। तो अगर जैसे टाइगर ऐसी आवाज़ नहीं भी कर रहा ना, कि अपनी आवाज़ नहीं कर रहा, तो इसके साथ में जो आगे पीछे चलने वाले जानवर होंगे, वो बिल्कुल डेफिनेटली आवाज़ करते हैं, पक्का आवाज़ करते हैं, आवाज़ करते ही करते हैं वो, उनका ये है कि आवाज़ होगी ही होगी। दोस्तों जो अभी टाइगर अटैक हुआ था ना, जिसके बाद गांव खाली हुआ, वो ना इधर की तरफ, नीचे की तरफ, ये जो हमें लाइट मार रहा हूँ ना, इसके नीचे की तरफ वो खेत में उनकी मिली थी बॉडी, मतलब दूर नहीं थी वो। और एक बात और भी पता चली मुझे, कि जैसे टाइगर अटैक हुआ, तो टाइगर अटैक से थोड़े समय पहले, कम से कम गुर्राहट की आवाज़ आई है अभी, दोस्तों देखभाल के रहना पड़ता है, जंगल का एरिया है, हर चीज़ को देखभाल के चलना पड़ता है यहाँ। तो टाइगर अटैक होने से पहले भी ना, इनकी चार भैंस टाइगर ने मारी थी, जो इंसान से पहले भैंस मारी थी, बकरियां मारी थी, फिर वो इंसान की तरफ आया था,
तो भी ये भी एक सिग्नल था कि मतलब ऐसा नहीं है इन लोगों को पता नहीं था, जैसे जो यहाँ गांव हैं, जो जितनी भी पॉपुलेशन गांव में थी, ये बात उन्हें पता थी, सावधानी रखते थे कि हाँ ये टाइगर के बिल्कुल उसमें रहते हैं, बिल्कुल टाइगर के दबदबे वाले जोन में। लेकिन ये पूर्वजों के टाइम से ही इनका घर था यहाँ, इनके दादा परदादा पूर्वज सब यहीं से थे, मतलब यहीं उन्होंने अपना जीवन यापन करा था, तो ये उस जगह को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। लेकिन फिर जब टाइगर अटैक हुआ, जान चली गई, तो दोस्तों ये तो गए, दूसरे एक दो परिवार भी जो रहते थे ना, उन्होंने भी बिल्कुल बंद कर दिया यहाँ आना। हालांकि इस टाइम पे अभी पीछे वाला जो घर है इसमें पूजा है, कल पूजा है, यहाँ जागरण होगा कल रात को, तो इनके मेहमान आने शुरू हो गए हैं कि पूजा पाठ के लिए आते हैं वो यहाँ, तो जो पूजा पाठ के लिए वो आए हुए हैं यहाँ अभी, तो यहाँ हैं, मतलब गाँव में लोग बाग हैं। लेकिन जब हमें पिछली बार आया था ना, तो बस जितने हम आए थे वही थे, ये परिवार नहीं था यहाँ, और ये तो चले जाएंगे अभी पूजा पाठ करके, ये फिर चले जाएंगे वापस, बाहर रहते हैं। तो गांव पूरा खाली है, टाइगर के डर से खाली है। दोस्तों रात के बजे हैं 10, अब मैं दरवाजे लॉक करके अंदर बैठूंगा, एक बार हर तरफ टॉर्च मार रहा हूँ, आवाज़ें सुन रहे हो दोस्तों कैसी हैं? अंदर बैठ के इंतजार करेंगे किसी मूवमेंट का। चलो अंदर चलते हैं दोस्तों। दोस्तों जैसा कि मैं जंगल में ही रहता हूं, तो यहाँ के जंगल में इस जगह जिस जगह मैं तया गाँव में हूँ, तो यहाँ पे ना और इसके अलावा भी मैंने जंगलों में रह के एक चीज़ देखी है, यहाँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में गाँवों में रह के, कि दोस्तों जो जैसी शाम होती है ना शाम, तो लेपर्ड तो पानी पी के नदी की तरफ जाता है या पानी के स्रोत पे जाता है, पानी पी के गाँवों की तरफ जाता है, गाँवों की तरफ। और जो टाइगर होता है ना दोस्तों, वो शाम को नदी की तरफ जाता है, नदी की तरफ, लेकिन वो लेपर्ड की तरह ना पानी के पास से जाता नहीं है, वो वहीं बैठ जाता है, क्योंकि लेपर्ड को तो एक बारी को पानी के पास बैठ के टाइगर का खतरा है, लेकिन टाइगर को किसी का खतरा नहीं है। और ये जितने भी जानवर होते हैं ना, ये हर्बीवोरस घास खाने वाले इस तरह के एनिमल, इनको वहीं पे ज़्यादा अटैक करने की कोशिश करता है, या कोई भी एनिमल जो वहाँ आए और उसे मौका मिले पानी के पास। ये बात मैं तया के कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ दोस्तों, जिस घर में जिस गांव में जिस जंगल में मैं इस टाइम रुका हुआ हूँ ना, ये बिल्कुल नदी के पास है, नीचे नदी है दोस्तों। एकदम ऐसी आवाज होती है ना, दोस्तों ये बात मैं तया के कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ,
जैसे तया है ना, जिस घर में मैं रुका हुआ हूँ, जो ये गाँव है तया, ये बिल्कुल नदी के पास है यार। ठंडक तो बहुत है ही, ठंड तो बहुत हो ही रही है। इसके साथ साथ यहाँ जो मतलब जो जंगल का मोस्ट सेंसिटिव एरिया है ना, ये उसके पास है। दोस्तों ऐसा लगा जैसे कोई एनिमल था राइट की तरफ। इस टाइम पे दोस्तों यहाँ पे टॉर्च मारना भी खतरनाक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एनिमल को इस टाइम पे इस जगह टॉर्च मार के इरिटेट करने जैसा ही है। दोस्तों तया से जो नदी है ना, नदी की दूरी नीचे की तरफ मैक्सिमम 100 मीटर के आसपास ही है, तो जिसकी वजह से बिल्कुल नदी के किनारे वाला एरिया है ये, जहाँ टाइगर बैठता है। और दिन में भी वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं जाता, दिन में भी यहीं रहता है वो। इसलिए जो यहाँ पे जो टाइगर अटैक हुआ था ना यशवंत सिंह जी की वाइफ पे, जिनके घर में मैं रुका हूँ यहाँ पे, वो भी मतलब यहाँ से 50 मीटर ही है जगह, थोड़ी सी दूर ही है बस। इसलिए इस एरिया की जो घास है उस पर उसके बैठने के निशान होते हैं, ज़मीनों पे उसके चलने के निशान होते हैं, और आवाज़ तो उसकी रहती रहती है। यहाँ जब भी आवाज़ कर दे तब आवाज़ है, और सामने आने के चांस हमेशा। वैसे तो दोस्तों वो इंसानों को इग्नोर ही करता है, इंसानों के सामने वो आता ही नहीं इतनी आसानी से। लेकिन जैसे अब टाइम हो रहा रात का, अभी अगर जो कि एक इम्पॉसिबल सी बात है ना, मैं कहूँगा कि कभी कोई करना, लेकिन अभी इस टाइम जैसे रात हो रही है ना, रात को नदी के पास चला जाए कोई तो 100% टाइगर देख लेगा वो। दोस्तों मैं बाहर खड़ा होके बोल रहा था ना, तो ऐसा लगा जैसे कोई एनिमल मुझे देख रहा है राइट की तरफ से। 2-3 बार आवाज हुई उसकी। मंजर खतरनाक हो रहा है दोस्तों जंगल का। ना खिड़की के पास जाके मैं भी तो दिखने लग जाता हूँ ना बाहर से, जानवर तो देख ही लेता है, हमें तो दिखता नहीं अंधेरे में। रात के दोस्तों 2 बजे का समय है, जंगल पूरे खतरनाक रंग में है। इस टाइम पूरा खतरनाक हो रखा है जंगल। आवाज़ें भी ऐसी हैं कि जिसने सुनी ना हो ना, और वो इस टाइम पे यहाँ मतलब ऐसे जंगल में रात को एकदम सीधे उसे डायरेक्ट ले आओ तो
तो ये समझ लेना कुछ भी हो सकता है उसके साथ, सिर्फ आवाज़ों से ही। और टाइगर सामने आ गया तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। लेकिन अगर जिसको कभी जो जंगल में ना रहा हो, जंगल की आदत ना हो, एक्लमेटाइज ना हो, सीधे ऐसी जगह ले आओ ना, पता नहीं क्या ही महसूस करेगा वो इस टाइम। तो टाइगर की भी आवाज़ आती है दोस्तों, यहाँ टाइगर की भी आवाज़ आ रही है, ऐसी आवाज़। हाँ, ऐसी तो भारी आवाज़, भारी। दोस्तों आवाज़ तो जंगल में बहुत आ ही रही है, सुनने की कोशिश करना। मैं बस खिड़की के सामने हाथ रखूँगा और मैं मतलब खिड़की से साइड में रहूँगा, आगे जाके बस मैं फ़ोन बाहर की तरफ रख दूँगा। सुना आपने, दोस्तों सुना आपने, आवाज आवाज आ रही है ना। दोस्तों जैसा कि ये पूरी रेंज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में है ना, तो यहाँ पे ड्रोन उड़ाने के लिए, ड्रोन फ्लाई करने के लिए परमिशन चाहिए। अगर यहाँ पे ड्रोन फ्लाई करने की परमिशन मिल जाए ना, तो हर फ्लाई में टाइगर दिख सकता है जहाँ, कि जब भी वो उड़ेगा ड्रोन, बस नॉलेज होनी चाहिए एरिया की। अब जैसे ये टाइगर है ना, वही 3:30-4 के आसपास का टाइम हुआ हो, सर कितना टाइम हो रहा है दोस्तों, 3:40 हो रहे हैं दोस्तों। अब वो वापस आ रहा है, वापस आएगा, अब आवाज़ आ रही है ना, अब वापस आएगा वो, इधर आएगा वो गांव के नीचे, गांव के जस्ट नीचे आम के पेड़ हैं उल्टे हाथ पे, इधर आएगा वो। उसका भी मतलब दोस्तों ये बात तो मैंने ना बहुत मतलब हर बार नोटिस करी है टाइगर के एरिया में, टाइगर को जब जब ट्रैक किया ना मैंने, कि जैसे हम लोगों का एक होता ना शेड्यूल, कि हम इतने बजे उठते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं, फिर घर आते हैं, खाना खाते हैं, उसी तरह दोस्तों हमारे शेड्यूल में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जैसे टाइगर है ना, तो इसका शेड्यूल बड़ा फिक्स है, बस टाइम के हिसाब से नहीं चलता ये चलता पहर के हिसाब से। जैसे पहर चौथे अभी 4 बज गए ना, तो पहर बदल रहा है यहाँ, 4 बजे पहर बदलता, तो ये पहर बदलते ही अपना मतलब पहर के हिसाब से अगर सब कुछ चल रहा है इसका नॉर्मल शेड्यूल, तो वापस आ जाता है ये गांव की तरफ। मैं तो दोस्तों पिछली बार जब मैं यहाँ आया गया तया गाँव में, फिर इस बार जब मैं आया तो रास्ते में ये तो मुझे पता था कि टाइगर यही है, मतलब इस गांव में ही है, इस रास्ते पे दिख सकता है,
लेकिन अब तो मुझे समझ आ गया कि जिस एरिया में अभी लेट टाइगर ने लेडी को अटैक किया था, किल किया था ना, जहाँ ये वहीं रहता है, रास्ते में ही रहता है, दिन में रात को इधर आता है। ये मतलब इस घर के, जिस घर में मैं रह रहा हूँ, इस घर के आसपास वापस आता है और यहीं रहता है, इस घर के नीचे की तरफ उल्टे हाथ पे जहाँ पे उनकी बॉडी मिली थी। क्योंकि इधर कोई रहता तो है नहीं, पूरा गांव खाली हो चुका, सुनसान एरिया है, कोई भटकता ही नहीं इधर, तो बिल्कुल सुनसान में रहता है ये। या शेड वगैरह, बारिश हो जाए तो शेड वगैरह सब कुछ बनी हुई है। दोस्तों आप भी ये चीज़ कभी आजमा सकते हैं, जो चीज़ आप मेरी वीडियोस में देख रहे हैं ना, जैसे ये बस लोकेशन ऐसी ही चुननी पड़ेगी आपको, जैसे तया है, जो चीज़ आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, आमने सामने की चीज़, बिल्कुल सामने देखी हुई चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, जो मेरे सामने चल रहा है। ये चीज़ आप भी कर सकते हैं नोटिस, जब जब आप जंगल में रुकेंगे, इस तरह कभी मौका मिलेगा, अगर आप जंगल को बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से फील करना चाहते हैं, ऐसी किसी लोकेशन पे अगर आप चाहते हैं, तो जो जो बातें मैं बोल रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ होंगी सारी, कि जाने आने का टाइम आपको पता चल जाएगा, टाइगर का आवाज़ कब आ रही है, और होने को तो कभी भी कुछ भी हो जाए, लेकिन एक फिक्स शेड्यूल भी आपको पता चल जाएगा, जगह भी पता चल जाएंगी जंगल की। दोस्तों आज मुझे एक बात और पता चली कि अभी एक साल पहले तो यहाँ टाइगर अटैक हुआ ही था, जिसमें अभी यशवंत सिंह जी की वाइफ की जान चली गई थी, जिसमें जिनके घर पे मैं इस टाइम बैठा हुआ हूँ, जिस टाइम जिनके घर पे मैं हूँ, इनकी जान चली गई थी। लेकिन उससे पहले भी ना कूपी गाँव में टाइगर ने एक लेडी को खाया था, उससे थोड़ा टाइम पहले, फिर उससे पहले भी उसके सामने वाले गांव में एक लेडी को खाया था। तो मतलब यहाँ के लोगों का मानना है कि टाइगर तो यहाँ एक से ज़्यादा है, तो कुछ कह नहीं सकते कि वो यही टाइगर है, लेकिन इधर वाला जो टाइगर है, जो टाइगर इस घर के पास है, वो जिसने यहाँ, उसने तो यहीं किल किया था, तो वो तो यही वाला ही है। लेकिन ये नहीं कह सकते तीनों की जान इसी टाइगर ने ली है, वो दूसरे भी हो सकते हैं टाइगर। दोस्तों ये है कि टाइगर जिस जंगल में है ना, जंगल को कंप्लीट कर देता है वो, लेपर्ड कंप्लीट नहीं कर पाता जंगल को, जंगल तो टाइगर से ही कंप्लीट होता है। जो जंगल लवर होंगे वो मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि जंगल तो शेर से ही कंप्लीट होता है, शेर तो यहाँ टाइगर ही है। गुजरात में वाला जो शेर है वो तो शेर है ही, वो तो लॉयन है, रियल शेर है वो, लेकिन यहाँ का जो शेर है ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में यहाँ के जंगलों में जो शेर है वो टाइगर ही है। चलो दोस्तों आगे आके ना आपको आवाज़ सुनाने की कोशिश करता हूँ फिर से। दोस्तों मैंने फेस नहीं कर रखा खिड़की की तरफ, मैंने हाथ ही बढ़ा रखा है बस खिड़की पे। मैंने देखा जब मैं यहाँ फेस करता हूँ तो कोई पत्ते पत्ते हिलने लग जाते हैं यहाँ। दोस्तों वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको देखनी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अप जरूर करेंगे। दोस्तों बियाबान जंगलों से, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, उत्तराखंड की ठंडी ठंडी फुहार के बीच से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हर हर।
महादेव।